नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम सच के साथ एक कदम। वैश्विक आपदा कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन को देखते हुए निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने 600 से अधिक विद्यालय में जरूरतमंद लोगों के लिए खाने के सेंटर बनाए हैं, जिसमें समय अनुसार भोजन का वितरण किया जाता है। पूर्वी दिल्ली सीमापुरी विधानसभा, नंद नगरी, सुंदर नगरी सहित दिल्ली के सभी विद्यालयों में जरूरतमंद लोगों के लिए श्री अरविंद केजरीवाल के अनुपालन में भोजन वितरण किया जा रहा है। भोजन वितरण के समय सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के द्वारा सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में पूरा सहयोग किया जा रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के सभी स्कूलों में खाना बांटा जा रहा है। जब से लॉकडाउन चालू हुआ, जब से दिल्ली के सभी स्कूलों में सुबह और शाम ये खाना बांटा जाता है, बना हुआ खाना होता है, सबको दिया जाता है। लोग आज कुछ खाते भी हैं, कुछ जो है ना अपने घरों में भी ले जाते हैं और घर ले जाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय देश की स्थिति है लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस से जो लोग महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में हैं, इसके चलते दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि सभी को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी खाने की व्यवस्था करेंगे। और ये चल भी रहा है, डेली बना हुआ खाना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कई स्कूलों में जो है ना खाना कम पड़ जाता है, लोग बताते हैं। इसके चलते देखिए लोग जो है ना भीड़ है और काफ़ी जो खाने की कतार में लगे हुए हैं, लेकिन जनता के अंदर प्रधानमंत्री और सीएम के आदेशों का पालन करते हुए जनता इतनी अब समझदार हो गई है कि सभी अपने सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। करीब एक एक मीटर से ज़्यादा की दूरी बनाए रखी है लोगों ने। जिस तरीके से लोग धूप में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, लेकिन ये बताया जाता है कि लोग जो है कुछ ही ऐसा हो रहा है कि खाना पूरा नहीं हो रहा एरिए में, मतलब हाँ सारे लोग बड़ी अच्छी से मेहनत भी कर रहे हैं और ये जो है ना लोग बताते हैं कि खाना जिस तरीके से आ रहा है वो अभी पूर्ति नहीं हो रही, लोग जो है ना रह जाते हैं। इसके लिए सरकार से आग्रह है कि खाना इतना दिया जाए कि जो है ना लोगों तक पूरा पहुंचे और जो है ना लोग खाने से वंचित ना रहें। इसके चलते सभी और अन्य स्कूलों में भी खाना कम पड़ गया है, तो इस विद्यालय में भीड़ कुछ ज़्यादा हो गई, इसी के चलते हो गई है, क्योंकि सभी स्कूलों में से खाना बंद हो चुका, बटना बंद हो गया, वहाँ कम पड़ गया। इसके चलते इस विद्यालय में देखिए कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो इस पर थोड़ा सा सरकार भी गौर करे कि जितने भी जो मिड डे मील जो बना रहे हैं उन ठेकेदारों या उन जो है कंपनी वालों को सूचना दें कि वो खाना पूरा भेजें और सही से भेजें जो लोगों तक पहुँचे। यदि अगर अभी खाना जो है ना समाप्त होने पर ही है और देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। खाने बिल्कुल मत देना, ठीक है?
बहुत जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, काफी भीड़ है। सिविल डिफेंस के लोग भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और वो अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। सभी सिविल डिफेंस के लोग, उन्होंने अपना सोशल डिस्टेंस बनाने का भी सभी लोगों को जागरूक करते हुए, और देखिए ये गोले भी बना रखे हैं लोगों के लिए इस तरीके से, है ना। और स्कूल प्रशासन बहुत अच्छी सी मेहनत करके सभी को बड़ा अच्छा, ड्यूटी पर सभी लोग तैनात हैं। कुछ लेड महिला गार्ड भी हैं, कुछ जो है ना जो है सिविल डिफेंस के लोग भी हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटी पर धूप में खड़े हुए हैं और सभी को समझा रहे हैं कि दूरियां बना के रखें, है ना, दूरी बनाकर ही रहने की सलाह दे रहे हैं। ये जो खाना जो पूरा हो जाएगा या नहीं हो पाएगा इसमें लोगों का, है तो ये कम से कम पब्लिक जाएगी 250-300। तो ये जो है ना मतलब जब रोज ही कमा रहा है या आज ही कम रोज कमा रहा है? आज कमाया है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, जितने लोग जो है ना भूखे रह जाएंगे जिनको खाना नहीं मिल पाएगा उनके लिए क्या करोगे? एसडीएम साहब भी देख रहे हैं इस खाने को, तो एसडीएम साहब ने क्या सूचना कुछ दी है एसडीएम साहब को? नहीं तो भीड़ तो आई है सर, अब एक बार बताइए कि जब इतने लोग जो रह जाएंगे इनके लिए क्या करा जाएगा? मतलब भीड़ तो है बता रहे हैं, और भी स्कूलों में खाना कम पड़ गया तो इसलिए मजबूर होकर लोग इधर आ रहे हैं, तो इस पर इस विषय पर एसडीएम साहब जो क्या करेंगे? तो या तो अभी सूचना दो ना उन्हें कि भाई जिससे कि ये लोग भूखे ना जा पाएं, इतना भी तो कर सकते हैं आप, ये लोग ये भी तो करो सूचना दे रहे हैं फिलहाल अभी, तो अब ये बोलो कम से कम 200-250 लोग जो है ना खाने के लिए भूखे खड़े रह जाएंगे। आप बात करेंगे, आप ही देखते हैं कि कहीं ना कहीं से इंतजाम कराएंगे, क्योंकि नहीं तो पब्लिक भूखे रह जाएगी ना। आगे जब तक रिपोर्ट नहीं जाएगी जब तक पता कैसे चलेगा लोगों को, है ना? ऊपर जो आला अधिकारी बैठे उन्हें तभी तो पता लगेगा जब आप रिपोर्ट भेजोगे। अभी हम डायरेक्ट से बात करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, तो रिपोर्ट किसी पब्लिक को भूखा नहीं रखेंगे, भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश की कंडीशन तो खराब है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग जो है ना इस तरीके से घरों के अंदर बैठे हैं, तो खाना तो यहीं से खाएंगे, इनके स्कूलों से ही खाएंगे, दिल्ली सरकार दे रही है तो, है ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी नहीं है जो कहीं से कुछ कर सके अपने इंतजाम। देखिए हमने भी एक सिविल डिफेंस के जो एक कर्मचारी उनसे बात भी की है, वो एसडीएम साहब को फ़ोन भी कर रहे हैं, क्योंकि खाना कुल मिला के ख़त्म हो चुका है, बस जो रह गया वही रह गया है, तो इसलिए ये लोग भूखे ना रह जाए तो वो सभी लोगों के लिए और हो सकता है प्रबंध किया जा सकता है। वो सामने हैं, वो फोन पर बात भी कर रहे हैं अपने अधिकारियों से, तो देखते हैं अभी पता चलता है क्या होता है। तो बच्चे भी आते हैं खाना लेने के लिए, काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं और धूप भी हो रही है, इसमें बहुत तेज़ धूप भी है लोगों को, लेकिन फिर भी भूख एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को इंतज़ार बहुत भी कराती है, और जब अपना पेट भरेंगे लोग, इसलिए कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसे दिन आए कि ऐसे लोगों को लाइन में लगना पड़े, किसी को भी चाहे वो कोई व्यक्ति हो, लेकिन एक मजबूरी है जिसके कारण लोग भूख के कारण लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान यदि खाना ख़त्म हो रहा है तो तब इनके दिलों को क्या भी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।